मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप कितना भी दावा कर ले कि हम बिहार में शराबबंदी कानून सफल बना के दिखाएंगे, लेकिन शराब माफिया सफल होने नहीं देंगे। आए दिन बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, शराब माफियाओं का बिहार में मनोबल बढ़ा हुआ है। आए दिन बड़ी खेप में शराब लाते हैं, अपना अनेकों तरकीब अपना रहे हैं, तो वही धड़ल्ले से बिहार में शराब सप्लाई हो रहा है, लोग लगातार सेवन कर रहे हैं, लगातार आपकी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि आपका शराबबंदी कानून बिहार में सफल बिल्कुल नहीं है। शराब माफियाओं का पूरे तरीके से बिहार में मनोबल बढ़ा हुआ है। शराब माफिया ऐसी ऐसी तरकीब अपना रहे हैं कि जिसे देख लोग हैरान रह जा रहे हैं। शराब माफिया एम्बुलेंस से लगातार शराब सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा यह सवाल है कि 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और अनेक राज्यों से बिहार कैसे शराब आ जा रहा है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉर्डर इलाका जो है वहां पर पुलिस रहती है और पुलिस लगातार कार्रवाई करने का दावा करती है, लेकिन बॉर्डर से पार होके जो शराब है वो लगातार आ जा रहा है। बिहार के गया में तस्करों का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में टीम के द्वारा एम्बुलेंस में ले जा रहे बॉडी बॉक्स यानी कि डेड बॉडी बॉक्स यानी कि ताबूत से 212 बोतल महंगी ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद की गई है। 212 बोतल, समझ सकते हैं किस तरीके से 212 बोतल शराब लाई जा रही थी झारखंड से बिहार। पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब को एम्बुलेंस से रांची से तस्करी कर मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। गया में जो शराब तस्कर है वो पकड़े गए, दो शराब तस्कर पकड़े गए। इस संदर्भ में उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लाया जा रहा है रांची से एम्बुलेंस में भरकर, जिसके आधार पर डोभी थाना अंतर्गत धुरजा पुल के समीप कार्रवाई की गई है। एम्बुलेंस की जांच की गई है उत्पाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिसके बाद एम्बुलेंस में जिस तरीके से जांच की गई उसके बाद ताबूत की जांच की गई, 212 बोतल विदेशी शराब उसमें देखा गया। पुलिस जो है वो हैरान रहेगा देखने के बाद। बता दें आपको कि पकड़े गए एम्बुलेंस का नंबर जो है BR06PB5085 है। बता दें आपको कि लगातार शराब माफिया अपना अनेकों तरकीब अपना रहे हैं। अब डेड बॉक्स में शराब की तस्करी हो रही है, यानी कि ताबूत में शराब लेकर तस्करी कर रहे हैं शराब माफिया। बता दें आपको कि तस्कर इतने शातिर हैं कि लगातार एम्बुलेंस से जो है शराब तस्करी कर रहे हैं, एम्बुलेंस से शव ले जाने का दिखावा कर रहे हैं और एम्बुलेंस में ले जा रहे ताबूत में शराब की बोतलें भरकर ले जा रहे हैं। तो वही इस तरह से शराब की बरामदगी होने के बाद जो है लोगों में काफी चर्चा हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से जो है पंकज कुमार यादव राजपुर चतरा निवासी और ललित कुमार महतो को लेकर जो है जो मनातू रांची है वहां पर कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। तो बता दें आपको कि मनातू रांची के रहने वाले हैं, जो ललित कुमार महतो हैं वो कोकर मनातू रांची के निवासी हैं। बता दें आपको कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को डोभी थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस ने थाने भेज दिया है, जेल भेज दिया है। तो फिलहाल लगातार शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, शराब माफिया तस्करी लगातार कर रहे हैं और धरले से बिहार में शराबबंदी कानून को कहीं ना कहीं लात मारते हुए शराब माफिया नजर आ रहे हैं। तो और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस में को विदेशी शराब का तस्करी किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग अपने जवान को मुस्तैद किए और एम्बुलेंस पकड़ा गया, लेकिन तस्कर नया तरीके से एम्बुलेंस के अंदर रखे हुए सब जिसमें ताबूत रख सब ताबूत जो होता है जिसमें सब को रखा जाता है उसके अंदर सब के जगह पे शराब भरे हुए थे और तस्करी कर रहे थे। करीब 212 बोतल शराब बरामद हुआ है, 159 लीटर, और इसके साथ एम्बुलेंस और दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये शराब? पूछने पर बताया गया कि मुजफ्फरपुर के लिए जा रहा था रांची से। अभी सर बॉर्डर एरिया में चेकिंग का क्या स्टेटस है? हम लोग पूरे गया जिले में 3 जांच चौकी का निर्माण किए हैं, इसमें एक डोभी है, एक धुरजा पुल है और एक इमामगंज है। तीनों जांच चौकी पे 24x7 जांच की जा रही है।